मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है अमित शेनॉय। मैं पिछले 5 सालों से ठाणे रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। मेरे प्रॉपर्टी फर्म का नाम है एक्टिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस। ठाणे में जो बड़े डेवलपर्स हैं जैसे कि हीरा नंदानी, लोदा, कल्पतरु, इन सबके साथ हम प्रिफर्ड चैनल पार्टनर्स है। पिछले 5 सालों में हमने 100 से भी ज्यादा डील किए हुए है और आज 1000 से भी ज्यादा लोग हमारे काम से काफी खुश है। कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करें तो बड़े बड़े ब्रांड जैसे पंजाब एंड सिंध, कैशिफाई, सबका डेंटिस्ट, इनके साथ भी हमने काम किया हुआ है और इनके साथ भी अच्छे अच्छे डील्स हमने क्रैक किए हुए हैं। हम ठाणे में काम करते हैं और पिछले 5 सालों से हमने काफी अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है। और आज मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूं कि मुझे एक फीलिंग आई कि इतना एक्सपीरियंस मिलने के बाद क्यों ना ऐसा हो कि मैं अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, और इस ऑब्जेक्टिव से ये पर्टिकुलर वीडियो में बनाने चालू कर रहा हूं। तो आज मैं शुरू करता हूं ठाणे सिटी के बारे में आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने से। दोस्तों ये देखिए, ये है ठाणे का ज्योग्राफिकल मैप। साउथ से आप जब एंट्री करते हो तो मुलुंड चेकनागा से आपका एंट्री होता है, और जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे कि मुलुंड चेकनागा आता है, जिसके आजू बाजू में वागले इंडस्ट्रियल एरिया है। इस एरिया में काफी सारे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, वेयर हाउसेस भी है। ये पूरा एरिया एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जैसा डेवलप हो चुका है। ये जो मेन रोड है, ये है ईस्टर्न एक्सप्रेस रोड जो नासिक तक जाता है। ईस्टर्न एक्सप्रेस के अगर आप ईस्ट साइड में देखो तो यहां पे होता है ओल्ड ठाणे। ये वो ठाणे है दोस्तों जो अपने आप ऑर्गेनिकली बहुत सालों से डेवलप हुआ है, और यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे जो प्रोमिनेंट एरिया से तो वो एरिया से पांच पकड़ी, नावपाड़ा, चरई, तलावपाली वगैरह वगैरह जैसे एरिया से। अगर आप इस एरिया में देखो तो ये ऑर्गेनिकली डेवलप होने के कारण यहां पे रास्ते काफी तंग है, पार्किंग के इश्यूज है, बट ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये रेलवे स्टेशन के काफी करीब है। इसलिए जो लोग यहां पे रह रहे कई सालों से वो यहां से दूसरे साइड आने की कोशिश नहीं करते। आप ईस्टर्न एक्सप्रेस के वेस्ट साइड में अगर देखोगे तो ये एक बड़ा प्लांड सिटी है। यहां पे काफी प्लानिंग से डेवलप हुए हुए एरिया से हीरा नंदानी मीडोस, हीरा नंदानी स्टेट, कोलशेत रोड, कासर वडोली, और जो अंत होता है वो अंत होता है गायमुख पे। तो जब हमने अब ये मैप देख लिया है तो क्यों ना ठाणे सिटी को हम एक्चुअल में देखते हैं। तो क्या आप मेरे साथ ठाणे टूर के लिए रेडी हो? तो चलिए ठाणे देखते हैं। मुलुंड चेकनागा पे साउथ साइड से ठाणा यहां से शुरू होता है। यहां पे है ठाणा चेकनागा और यहां से हम लोग अपना जर्नी शुरू करेंगे। तो क्या आप रेडी है चलने के लिए? यो
ठाणे जो कि मेरा फेवरेट सिटी है वो आज की तारीख में एंड होता है वेस्टर्न साइड में गायमुख चौपाटी का। यहाँ पे हमने शुरू किया था मुलुंड चेकनाका के यहाँ से और खत्म हुए है गायमुख चौपाटी का यहाँ पे। अब जब ठाणे का टूर अपना खत्म हो गया है तो ठाणे के बारे में आपको कुछ अच्छी चीजें बताता हूँ। नंबर एक, ठाणे को कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स क्योंकि यहाँ पे 30 से भी ज्यादा लेक्स है। नंबर दो, ठाणे में आप देखोगे तो 70% ग्रीनरी है क्योंकि संजय गांधी नेशनल पार्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत अहम हिस्सा ठाणे में पड़ता है। नंबर तीन दोस्तों, ये आपको काफी अच्छा लगेगा कि सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में ठाणे 20 टॉप ग्रोइंग सिटीज में से एक है जहां पे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नंबर फोर, ठाणे का करंट पॉपुलेशन अराउंड 18 लाख है और ये तेजी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज अपने को ठाणे में मिलते हैं वो आजू बाजू में कहीं भी नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल कनेक्टिविटी आप बोलो, फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, दी वे पूरा जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से जनसंख्या भी यहाँ पे बढ़ रहा है। ठाणे सिटी में मेट्रो डेवलपमेंट हो रहा है और मेट्रो के दो लाइन ठाणे में मिलने वाले हैं, एक लाइन जो कि वडाला से आने वाला है और दूसरा जो कल्याण से आने वाला है। तो ये सिटी में दोस्तों और एक 20-25 साल का डेवलपमेंट अभी भी बाकी है, इसीलिए ये जो सिटी है ठाणे सिटी ये काफी मेरे दिल के करीब है एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट क्योंकि ये सिटी मुझे वो अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं लोगों के लाइफ में एक पॉजिटिव डिफरेंस कर पाऊं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब से लेकर ऐसे एजुकेशनल वीडियोस मैं लगातार बनाता रहूंगा और अगर आप चाहते हो कि आप मुझसे जुड़े रहे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे पूछ सकते हो या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। ठाणे प्रॉपर्टीज या ठाणे के रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो और अगर आप चाहते हो कि किसी खास विषय पर मैं वीडियो बनाऊं तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो ताकि मैं एक एजुकेशनल वीडियो आपके लिए बनाऊं और आपको वो प्रेजेंट कर सकूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय ठाणा। इस ठाणेकर का आपको सलाम, नमस्ते। बहुत ही जल्द आपको मैं मिलने वाला हूँ और एक एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए।